नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। आइए नजर डालते हैं दिनभर की तमाम बड़ी खबरों पर। उमेश पाल हत्याकांड के फरार शूटर हाईटेक ऐप के जरिए पुलिस को दे रहा चकमा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी 25 और 26 अप्रैल को 224 सीटों पर करेगी प्रचार। जेडीएस और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं, सत्ता के लिए दोनों बाद में एक हो जाएंगी और कांग्रेस पार्टी में नहीं है रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट, बोले अमित शाह। सेम सेक्स मैरिज मामले में 24 अप्रैल को नहीं होगी संविधान पीठ में सुनवाई। अक्षय तृतीया के अवसर पर खोल दिए गए गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट। बिहार में सुधा दूध की कीमतों में इजाफा, 24 अप्रैल से बढ़ेंगे दाम। सीएम योगी आदित्यनाथ 24 अप्रैल को सहारनपुर और शामली के बाद अमरोहा में करेंगे जनसभा संबोधित। भारत के साथ सीमा विवाद सुलझाने को लेकर गंभीर नहीं है चीन, अमेरिका ने ड्रैगन की नियत पर जताया शक। आज होने वाला आईपीएल मैच आरसीबी वर्सेस आरआर और दूसरा मैच केकेआर वर्सेस सीएसके के बीच। दर्शकों पर नहीं चला सलमान का जादू, किसी का भाई किसी की जान को मिली बेहद फीकी ओपनिंग। तो ये तो थी देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरें। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए नेशन लाइव। धन्यवाद।